राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की जानकारी भी अफसरों से ली। शिविर के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मीडिया से जानकारी साझा की और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3.5 लाख के आसपास नौकरियां पहुंच रही हैं। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां न पहुंचे इसलिए विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। देखिए, 4 साल ये उपलब्धियाँ क्या क्या है, जो वादे किए थे हम लोगों ने जन घोषणा पत्र और जो बजट पेश किए थे, तो एक ये भावना थी कि हम लोग एक बार रिव्यू करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ हमने उपलब्धि हासिल की है, कहाँ कमी नहीं है। मुझे खुशी कहते हुए कि अधिकांश मंत्रियों ने सबने अपने अपने परफॉर्मेंस दी है, मंत्रालय की भी खुद की भी। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये प्रयास किया गया कि जो बजट घोषणाएँ थी वो कैसे पूरी हुई, किस प्रकार जन घोषणा पत्र का अधिकांश जो है हिस्सा वो कंप्लीट हो गया, तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फेक्शन हम लोगों को। आज जो रह गए विभाग उनको और बातचीत करेंगे। परफॉर्मेंस मंत्री अपनी खुद ही बता रहे हैं, विभाग ही बता रहे हैं, तो सत्य मालूम पड़ जाता है कि किस रूप में काम हुआ है मिनिस्ट्री के अंदर। और एक नया जो पिछली बार सरकार हमारी थी तब भी हमने ये शिविर लगाया था, हर बार हम लोगों ने OTS में शिविर लगाए, चर्चा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार की मेरे शिविर से मंत्रीगण जो है वो खुद अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं। पहले सेक्रेटरी दिया करते थे, इस बार हमने कहा नहीं, मंत्रीगण जो हमारे साथी हैं वो खुद अपने विभाग की बात करेंगे। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ में असेंबली में आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो 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 विभाग हैं अलग अलग और जो मुख्य कानून व्यवस्था की बात है, पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं भाई, ये क्या हो रहा है। जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुँचे हैं, कई अधिकारियों को हमने डिस्मिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान वकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया, जो कड़े कदम हमने उठाए हैं, और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर, इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। पर हमारी जो उपलब्धि बहुत बड़ी है कि 3.5 लाख के आसपास नौकरी लग रही है, उस उपलब्धि को कैसे जनता के बीच में से नहीं मिले सरकार को, इतने विपक्ष के लोग जो हैं जानबूझ करके ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार गुमराह रहे लोगों को, झूठे आरोप लगा लोगों पर, झूठे नाम ले रहे हैं के अधिकारियों के नेताओं के, ये इनके षड्यंत्र हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र सर्वप्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।